परवीन आज़ाद लालबाज़ार से हूँ। मुझे बचपन से सिंगिंग का बड़ा शौक़ था और वो शौक़ पूरा भी हुआ। मुझे अक्सर स्कूल में टीचर्स फेयरवेल पार्टी पे मौका देते थे सिंगिंग का, तो धीरे धीरे मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं रेडियो कश्मीर जाऊँ, ऑडिशन पास करूँ। मैं रेडियो कश्मीर म्यूज़िक सेक्शन में, वहाँ गुलाम नबी शेख साहब थे म्यूज़िक इंचार्ज, तो उन्होंने मैंने बोला कि मुझे सिंगिंग का शौक़ है, आप मेरा वॉइस टेस्ट ले लीजिएगा। उन्होंने मेरा वॉइस टेस्ट ले लिया तो उन्होंने बोला कि हम इस आवाज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे, आपका ऑडिशन लेंगे। तो उन्होंने जब मेरा ऑडिशन ले लिया तो मैं ऑडिशन में पास हो गई। तो रेडियो में मतलब कि उस टाइम मेरी फैमिली जो है वो रेडियो नहीं सुनते थे, कम सुनते थे। तो इसके बाद जब मुझे स्क्रीन पर आना पड़ा तो मेरे पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और श्रीनगर से बाहर मुझे लखनऊ पढ़ने भेज दिया। लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मैं जब वहाँ से वापस आ गई तो फिर मैं दोबारा वापस रेडियो कश्मीर आ गई। तो उस तब से मैं इस फील्ड में हूँ। बिफोर मैरिज मुझे पेरेंट्स एलो नहीं कर रहे थे सिंगिंग, बाकी मैरिज मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे एलो किया है सिंगिंग, उन्होंने ये मेरा शौक़ पूरा किया। दिल अगर नहीं शादी आसी, होश बागस क्या है सर, नारशी कुंपति बजार। सिंगिंग फील्ड में मतलब कि आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। जब मेरा वो एल्बम, कश्मीरी एल्बम जो मैंने राजस्थान में शूट किया है, जब मैं उसका म्यूज़िक बना रही थी यहाँ वही जिलानी के स्टूडियो में, तो मुझे बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई उस टाइम। तो लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने कश्मीरी कल्चर को ही रियासत में ही नहीं बल्कि रियासत से बाहर भी प्रमोट करूँ। और 2010 में मेरा प्रोग्राम एक आया सोनी एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेगा, सोनी टेलीविज़न पर आया वो प्रोग्राम। तो वहाँ मैंने गाया है, वहाँ मैंने उनु मलिक के साथ एक ड्यूट सॉन्ग गाया उर्दू में और एक कश्मीरी सॉन्ग। आजकल के दौर में मर्द और औरत ये दोनों बराबर है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझ में काबिलियत थी और मुझ में टैलेंट था, मैंने अपने टैलेंट को ही निखारा।